की कैश में आपका क्या होएगा, फाइन, सो डेबिट होगा, फाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट, और फिर यहाँ पे है पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट है। इसमें आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे, और जितना भी आपका हेड ऑफिस से आया रहेगा, जितना भी हेड ऑफिस से आपको पेटी कैश के लिए खर्च आया है और जितना भी आपने पेटी एक्सपेंस किया है, जितना भी पेटी एक्सपेंस किया है, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग बैलेंस, माइंड इट, ओके, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा आपका कि देयर विल बी योर लाइक ओपनिंग मिसिंग हो सकता है, क्लोजिंग मिसिंग हो सकता है, और एक और थोड़ा सा बड़ा अकाउंट ही होगा, वो होगा मेमोरेंडा ब्रांच कैश का, समझ गए, जो भी कैश का डीलिंग हुआ है, पेटी कैश तो वो छोटा छोटा कैश होता है उसका होता है। एक बड़ा अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है जिसका नाम होगा मेमोरेंडम ब्रांच, मेमोरेंडम ब्रांच, मुंबई ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसमें वो सारे कैशेस आएंगे आपके पास, सो यू विल हैव द लाइक यू विल हैव द डेबिट एंड वी हैव गॉट इज योर पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। तो यहाँ पर आपके पास जो है इज गोइंग टू बी योर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, समझिएगा बात को, फाइन। और जितना भी आपके पास जो है कैश सेल्स से जो भी कैश आ रहा है वो आप लेंगे, ठीक है, और फिर सन्ड्री जो आपका सन्ड्री डेटर्स है उससे आप लेंगे, समझ रहे बात को, सन्ड्री डेटर्स से आप लेंगे, क्लियर, फाइन। और जितना हेड ऑफिस से आया है आपके पास, हेड ऑफिस से आया है एक्सपेंस के नाम पे, वो आप लेंगे, और इधर जितना आपका जो है ब्रांच एक्सपेंस पे खर्च हो गया है और जितना आपने हेड ऑफिस को रिमिटेंसेस बोला था ना आपको, रिमिटेंसेस वही होता है, वो कैश जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है उसको रिमिटेंसेस बोलते हैं, समझ गए। और बाद में आपके पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग बैलेंस, समझ रहे बात को, ठीक है जी, दिख रहे आपको, फाइन। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फाइन, कि फिर देखिए, अब मिसिंग की बात हो रही है, आपका ओपनिंग मिसिंग हो सकता है, कुछ भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग हो सकता है, फाइन, हेड ऑफिस की रिमिटेंसेस मिसिंग हो सकती है, क्लोजिंग मिसिंग हो सकती है, बट फिर मैंने आपको फिर बोला ना, एक अकाउंट से एक ही फिगर मिसिंग होगा, फाइन। अब आते हैं हम लोग ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में, ठीक है, ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में आपको बताया है, जेआर मोंगा का बुक आप खरीद लीजिए, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट का चैप्टर, फाइन, जेआर मोंगा में, फाइन। सो अगर हम लोग इस ब्रांच अकाउंट के चैप्टर की बात करें, फाइन, तो क्या बोल रहा है इसमें, समझिएगा आप, फाइन, व्हाट दे आर टेलिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, कह रहा है कि व्हेन द बिजनेस ग्रोज इन द साइज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन और सेल्स, द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जनरली सेट अप लोकल रिटेल शॉप नोन एज ब्रांचेज व्हिच आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफिस कॉल्ड द हेड ऑफिस दैट कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस। देखिए क्या होता है, बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास देखिए बहुत सारा साधन होता है, समझ गए, बहुत सारा फॉर्मेट है। जैसे अपन एक काम कर सकते हैं कि अपन ये ब्रांच खोल सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की बात करें तो क्या होगा, समझिएगा बात को, इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो एक हमारे पास क्या है कि अपन ब्रांचिंग सिस्टम पे जा सकते हैं, मतलब, ठीक है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि अपन जो है ना उसको किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं।
या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी के साथ हम वहां पर मिलकर ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं, समझ गए? या फिर हम क्या कर सकते हैं, आजकल जो कॉन्सेप्ट आया है वो है फ्रेंचाइजीज। हम इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए हमने फ्रेंचाइजी दे दिया, या फिर हम जैसे एक और हमारे पास, जैसे कि अपन जो है डीलरशिप अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना, डीलरशिप अपॉइंट कर सकते हैं, डीलरशिप, ठीक है ना, डीलरशिप के थ्रू बेच सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हमने डीलरशिप दिया तो डीलर क्या करेगा, हमारे उसी माल को बेचने की कोशिश करेगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपने देखा होगा कोई जूता का दुकान है, रामू शूज शॉप, क्या है, रामू शूज शॉप है, ठीक है ना, तो रामू, ये जो ट्रेडिशनल शूज शॉप होते हैं, ठीक है ना, रामू शूज शॉप, ठीक है, तो ये जूते की दुकान है, शूज, ओके, रामू शूज शॉप जूते की दुकान है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले में तो एडिडास रखा हुआ है, रिबोक रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो बोला कि भाई ये ले लो, फलाना ले लो, लोकल माल ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, इसका पेस्टिंग ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो केवल उन्हीं प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। देन यू हैव फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी का होता है, आपका मॉडल होता है, ठीक है, तो मेन वही चीज होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, या फिर फ्रेंचाइजी क्या करेगा कि वो भी थोड़ा सा वैसे चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, या कोई दूसरा कंपनी का फ्रेंचाइजी मिल रहा है उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उधर मूव कर सकता है, ठीक है। वैसे आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर में भी आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, अब उस पार्टी का बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर है दूसरे दूसरे कंपनी के साथ, फिर वो कर सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को बेचने पर ध्यान नहीं दे सकता है, फाइन। तो इसमें जो सबसे अच्छा सिस्टम होता है ना वो ब्रांच सिस्टम होता है। ब्रांच मतलब ये कंपनी का अपना है, क्या है, इट इज ओन्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। देखिए आजकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने स्कीम निकाला, पेपर में आपने 50% का स्कीम निकाला, 75% का स्कीम निकाला, और पता चले कि बीच में क्या हुआ, फ्रेंचाइजी आधा खा गया, डीलरशिप आधा खा गया, तो आप अगर कंपनी ओन्ड शोरूम खोलेंगे या आपकी खुद की ब्रांच होगी तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनी क्या कर सकती है कि वो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है। फिर आजकल क्या, प्रोडक्ट डुप्लीकेसी का भी बहुत फ्रॉड हो रहा है, फाइन, कि वो आप ही के ब्रांड नेम का डुप्लीकेट प्रोडक्ट उसमें मेन प्रोडक्ट में घुसा कर बेच रहा है, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका अपना ब्रांच होने से क्या होता है, आप कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। फिर आजकल क्या, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि जैसे वुडलैंड का ब्रांड है या एडिडास का ब्रांड है, अब ये सब ब्रांड तो नॉर्मली शूज के हैं, लेकिन आदमी उस ब्रांड से इतना कनेक्टेड हो जाता है कि अगर उस कंपनी ने जींस लॉन्च किया तो लोग जींस भी उसी का पहनेंगे, अगर उसने कोई अपरल दिया, बेल्ट दिया, तो बेल्ट भी उसी का यूज करेंगे, पर्स भी उसी का यूज करेंगे, ठीक है, लेडीज पर्स भी उसी का यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे इतने एसेसरीज हैं, टी शर्ट उसी का पहनेगा, मतलब एडिक्शन हो जाता है, मतलब ब्रांड के प्रति क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। तो कंपनी अगर अपनी ब्रांचेस खोलकर अगर करेगी तो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है, वो अपने सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकती है, ठीक है, और इस तरीके से जो है कोई भी कंपनी अपना व्यापार करती है, फाइन। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, आइए, तो हम लोग वही देख रहे थे कि यहां भी वही कह रहा है कि when the business grow in size due to increased production or sales, the large organization generally set up local retail shop known as branches, which are part of the central office, called the head office that control all the branches. Head office is therefore a place from which the branches are controlled. The idea behind opening a branch is to eliminate middleman by going as nearer to the ultimate customer. बताया ना आपको कि customer के साथ direct connectivity बनाता है branches में. Well known example of business firm which operate through the branches are Bata Su, Mafat Lal of Textile, Reliance Limited, Videocon, Godrej Exclusive Showroom. Branches, उसमें showroom में लिखा भी रहता है, बहुत जगह आप देखेंगे लिखा रहेगा company owned retail outlet, company owned showroom, fine, ऐसा भी लिखा हुआ रहता है. So branch accounting is concerned with recording of trading transaction of different branches in respect of their dealing with the head office, with outsider and other branches. अब कैटेगरी क्या है, इनलैंड ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच है,
इनलैंड ब्रांच आर होम ब्रांचेज विच आर सिचुएटेड इन द सेम कंट्री, ठीक है, एंड देयर हेड ऑफिस आर पेरेंट ऑफिस सिचुएटेड इन द सेम कंट्री, इसको इनलैंड ब्रांच बोलते हैं। इनलैंड ब्रांच में अभी आपको पढ़ाया कि डिपेंडेंट ब्रांच होता है और ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है। और फॉरेन ब्रांच का मतलब यह है कि आपका हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांचेस फॉरेन में है, या आपका हेड ऑफिस फॉरेन में है ब्रांचेस इंडिया में, फाइन। अब जैसा आपको बताया कि देखिए हम लोग का जो पढ़ाई का जो वो है ना, मतलब जो ये है डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर, फाइन। अब डिपेंडेंट ब्रांच में क्या क्या है, देखिए डिपेंडेंट ब्रांच है मेरे सेलिंग एजेंसी विद द फॉलोइंग साइलेंट फीचर, ठीक है। अब साइलेंट फीचर्स इसमें डिटेल में है, वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले किसी वीडियो में, फाइन, ठीक है ना। बट इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, फिर एक इम्प्रेस सिस्टम है, ये भी आपको बताऊंगा कि इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये जाता है कि डिपेंडेंट ब्रांच के डिटेल्स में जाता है। तो मैंने आपको बोला है कि आप बुक खरीद लें तो उसकी थ्योरीज आप वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया बेसिकली, ठीक है, कि एंट्रीज मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई है, वो एंट्रीज देखिए डेटा सिस्टम की यहां पे भी दिख रही है, फाइन, कि गुड सेंड किया तो उसकी क्या एंट्री होगी, रिटर्न किया तो उसकी क्या एंट्री होगी, और ब्रांच का एक्सपेंसेज हुआ तो उसकी क्या एंट्रीज होगी, समझ गए। फिर जैसे आपका क्लोजिंग एसेट्स है उसकी एंट्री, ये सब मैंने आपको बता दिया है, फाइन। इसमें ये आप इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, फाइन। और इनका जो देखिए परफॉर्मा ब्रांच अकाउंट है, ये काफी इन्होंने कंसाइज कर दिया, मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है, फाइन, ठीक है ना। जो हम लोग को डिस्कस करने वाला बात है वो साइलेंट फीचर्स है, तो वो हम आपसे अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। और मिसिंग फिगर के लिए भैया आपको बता ही दिया कि आपका जो है कि मिसिंग फिगर में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, इन्होंने केवल डेटर्स अकाउंट का दिया है। लेकिन अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल होगा ना जे आर मोंगा का, तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको यहां से बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा। जैसे अभी अगर मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो अभी का जो पढ़ाया है ना, अगर मैं जे आर मोंगा की लेटेस्ट बुक की बात करूं तो आपको कौन कौन सा पेज नंबर इससे कवर हो जाएगा, समझ रहे बात को, मतलब आप घर बैठे जो है पेज नंबर वाइज जो आप इसको पढ़ सकते हैं, फाइन। तो यहां पर देखिए पेज नंबर जो आपका कवर होगा ना ब्रांच अकाउंट का जे आर मोंगा से, वो भी आपको बता दें। तो ब्रांच अकाउंट का जे आर मोंगा, समझ गए, जे आर मोंगा, ओके, जे आर मोंगा, फाइन। इसके देखिए डिटेल मैं आपको बुक से नहीं करवा पाऊंगा, उसका रीजन है क्योंकि देखिए इसमें कॉपीराइट का उल्लंघन भी होता है, फाइन। और फिर इतना जो डिटेल में है वो सारी ए टू लाइन बाय लाइन जो है कराना वो थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम नहीं उतना, तो इसलिए आप बुक खरीद लें, उसको आप घर में पढ़ें। ब्रांच अकाउंटिंग जे आर मोंगा का पेज नंबर मैं आपको रेफर कर देता हूं, ठीक है, वो पेज नंबर की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड, समझ रहे हैं, पेज नंबर 14.1, ओके, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फोटो खींच कर उसको मार्क कर आप भेजिए, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तुरंत, मतलब जैसे ही टाइम मिलेगा, समझ गए, जरूरत पड़ेगा तो पूरा वीडियो बना दिया जाएगा और पूरा वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा, फाइन, ठीक है ना। तो ये 14.2 है आपका और ये 14.3 है, ऐसे मैंने पूरा करा दिया है, बट आप इसको बुक में से आप इसको देख सकते हैं, फाइन। उसके बाद अगला जो आपके पास है वो है 14.4, ठीक है ना। साइलेंट फीचर्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, मैं पूरे आपको अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा, फाइन। 14.4 है, फिर आपका जो है वो 14.5 है, समझ गए, यहां तक, मतलब पेज नंबर 14.1 से लेकर 14.5 तक का आप उसमें से थियरी पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। और इसमें से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फिर मैं आपको जरा डिटेल बता दूं कि देखिए जी ये जो पूरी सिलेबस है ना वो क्या है, वो पेड कोर्स है, समझ रहे हैं, ये फ्री कोर्स नहीं है, कुछ चीजें आपको इसमें से फ्री मिलेगी बट ये क्या है, पेड कोर्स है, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, बट इसमें जो देखिए हमने जो मैसेज किया था, समझ रहे बात को, उस मैसेज के अकॉर्डिंग इसमें जो है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, फुल सिलेबस, ठीक है ना, फुल सिलेबस जो है, समझ गए। अब देखिए है तो बहुत बड़ी परेशानी है जो अभी सारी दुनिया झेल रही है और पूरा भारतवर्ष भी झेल रहा है, फाइन, कोरोना का, ठीक है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, घर में बैठे बैठे सारा दिन टीवी देखना और फेसबुक चलाना, इससे तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए डेट शीट आई है,
और डेट शीट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अब हम हाथ पे हाथ रखे बैठे तो नहीं रह सकते ना, कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। और अब तो देखिए कंप्लीट लॉकआउट हो गया, बहुत जगह जो स्टेट है वहां पे कर्फ्यू भी लग गया है, देर इज ए पॉसिबिलिटी कि दिल्ली में भी कर्फ्यू जो है वो लग सकता है जैसी कंडीशंस है, और वो जरूरी भी है क्योंकि ये जितनी तेजी से वायरस स्प्रेड हो रहा है, एंटीडोट है नहीं, तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि बी एट होम, बी सेफ, बी सिक्योर्ड, बी हेल्दी। ठीक है, तो जो है बचना है और हमें अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, तो 2-4 घंटा जो है आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है और बाकी अपना टीवी देखिए और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, फाइन। तो उसके लिए जो है फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस की डिटेल है, इसमें जो फुल सिलेबस आपको कराई जाएगी वो बुक से कराई जाएगी, बुक से कराई जाएगी, ठीक है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स है। ऐसे तो ये कोई भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक है ना, जैसे मान लीजिए हम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक की बात करें, जैसे ये जेआर मोंगा जी की बात करें, तो ये अपने आप में जो है ना गीता है एक्चुअली, नहीं समझे। अगर आपने जेआर मोंगा अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो आपको क्या बीकॉम क्या बोले तो प्रोफेशनल कोर्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, समझ गए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे डिटेल से सारी चीजें डिस्कस की गई है, समझ गए। तो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, इवन जो है अगर मैं कहूं कि अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सिलेबस की बात कहूं, जैसे मान लीजिए इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस, ओके सिलेबस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की बात कहूं तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, जो सिलेबस है बीकॉम का, ओके प्लेन बीकॉम, जिसको हम लोग बीकॉम प्रोग्राम भी कहते हैं, बट ये प्लेन बीकॉम है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है बीकॉम ऑनर्स का है, समझे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस जो है बीकॉम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सीए इंटर के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, फिर आपको बता रहा हूं सीए इंटर के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है। दिमाग में किसी तरह का कीड़ा मत पालिए कि वो ये तो बीकॉम का है तो फलनवा है तो चिलनवा है तो ये है तो वो है, ना ना ऐसा कीड़ा मत पालिए, समझ गए ना। आजकल जो है ना दुनिया में जो है ना ये कोरोना वायरस की तरह बहुत सारा जो फैकल्टी है ना वो बहुत सारा कीड़ा लोगों को फैला रहा है कि बस मेरे नोट से पढ़ो और ये करो, लिमिटेड स्टडी करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है ना, देखिए हम लोगों ने, जैसे मैंने जो है सीएमए क्वालिफाई किया, सीएमए समझते हैं क्या होता है, सीएमए को बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसको पहले बोला करते थे सीडब्ल्यू, क्या बोलते थे सीडब्ल्यू, इसको बोलते थे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ठीक है, आजकल इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइन। ये हमने कंप्लीट किया 1998 में, समझ गए, 1998 का मतलब कितना हो गया आप बताएं, 20 साल तो आपके ये हो गए और लगभग लगभग आपके जो है 12 साल उधर हो गए, ठीक है, तो रफली अराउंड मतलब 21 एंड हाफ ईयर बिफोर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, 1998 में मैंने कंप्लीट किया। और 1998 में कंप्लीट करने के बाद मैंने जो पहली नौकरी ज्वाइन की वो 1999 में, ठीक है, फर्स्ट मार्च में मैंने ज्वाइन किया। कहाँ ज्वाइन किया, आई हैव ज्वाइंड इन एच एम टी लिमिटेड बैंगलोर। ये मेरा फर्स्ट जॉब था और ये जो मेरा फर्स्ट जॉब था एज एन अकाउंट्स ऑफिसर था, ठीक है ना, अकाउंट्स ऑफिसर था, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 4.5 ईयर्स काम किया, 4.5 साल काम किया, जिसमें से मैं 2 साल बैंगलोर में रहा और 2 साल के आसपास, 2.5 साल के आसपास मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में उसकी यूनिट थी, मैं वहां पे रहा। बट उस समय के जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे फैकल्टीज थे, ठीक है ना, तो हमारा तो अभी देखिए उनसे कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, बट जो हमारे फैकल्टीज थे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में जो फैकल्टी थे हमारी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारी फैकल्टी थे ना, उनका नाम था आर सी ए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आर सुरेश बाबू। देखिए मैं तो साइंस से आया था तो मुझे अकाउंट्स का ABCD इन्होंने ही पढ़ाया और मेरे को मास्टर इन्होंने बनाया, फाइन। और
हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, समझ रहे, जैसे हम लोगों ने आर एल गुप्ता की बुक पढ़ी, आर एल गुप्ता एंड एम राधा स्वामी, एम राधा स्वामी स्वामी, ये बुक हमने पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। फिर उस समय अभी भी आती है बुक टी एस ग्रेवल, इसकी मतलब वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू, दो वॉल्यूम में बुक आती है, वो पढ़ी हमने। फिर हमने पढ़ी टी एस ग्रेवल, मतलब टी एस ग्रेवल सीए के लिए तो मस्ट हुआ करता था, समझ रहे बात को, इसका भी हम लोगों ने पढ़ा, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू पढ़ा, समझ रहे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा जो है हनीफ मुखर्जी, हनीफ एंड मुखर्जी, मुखर्जी, समझ गए, ये भी हमने पढ़ा वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू। तो ऐसे ही हम लोगों ने जो है ना, और भी बहुत सारे जो बंगाल के ऑथर थे उसकी भी हम लोगों ने किताब पढ़ी, फाइन। तो उस समय पे क्या था कि मतलब फैकल्टी ये कहती थी कि आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है, समझ रहे ना, रेफरेंस बुक आपको पढ़ना है, रेफरेंस बुक इज मस्ट, समझ गए। तो रेफरेंस बुक में बहुत सारी बुक आती है, अभी आप जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे, जब उनके जो रेफरेंस बुक है उसका मैं डिटेल आपसे अलग वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा कि वो भी 8-10 बुक रेफर करते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इतना नैरो अपने दिमाग को बना दिया है ना हमने, ठीक है ना, और हमारे जो महानुभाव कुछ फैकल्टीज हैं, बस हमारा ये 100 पेज का नोट्स पढ़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बस हमारा ये नोट्स पढ़ लो तुम्हारा सीए बन जाओगे, फलनवा हो जाएगा, चिलनवा हो जाएगा, मतलब बच्चों को जो है ना बर्बाद कर दिया आज के डेट में, ठीक है, पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, नॉलेज नहीं हो पा रही है, तो दे आर फाइंडिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द इंडस्ट्रीज, फाइन। नौकरी करना एक अलग बात है और बिजनेस करना एक अलग बात है और नॉलेज होना एक अलग बात है, समझिए, चलिए जो भी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे जो टीचर थे सीए आर सुरेश बाबू थे, बहुत ही डीपली पढ़ाया करते थे, फाइन। वैसे ही हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो फैकल्टी थी वो थी जलज मालपानी, जलज मालपानी, मालपानी, वो गुजरात से थे, वो बाद में गुजरात चले गए, ये भी बहुत सारी बुक्स हम लोग को पढ़ाते थे, सक्सेना वशिष्ठ पढ़ाते थे, उसके बाद भावतोष बैनर्जी, ऐसे बहुत सारी बुक रेफर करते थे। फिर हमारे पास जो है वो डायरेक्ट टैक्स में जो हमारी फैकल्टी थी, इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमारी फैकल्टी थी, तो ये फैकल्टी थी हमारी बालाजी राव, बालाजी राव, ठीक है ना, अब ये तो बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हैं, फाइन। और हमारी एक बड़ी सीनियर फैकल्टी थी, समझ रहे, बड़ी सीनियर फैकल्टी थी हमारे पास, उनका नाम था, वो सीए भी थे, सीएमए भी थे और सीएस भी थे, उनका नाम था असीत मुखोपाध्याय, असीत मुखोपाध्याय, ठीक है, अभी कहाँ है पता है आपको, अभी वो टाटा मोटर, सुनिए, असीत मुखोपाध्याय, ये सब हमारी फैकल्टीज रही हैं, और भी बहुत सारी फैकल्टीज थी, कभी टाइम मिलेगा तो आपको बताएंगे। बट वो पढ़ने का बिल्कुल प्रारूप ही अलग था, बट ये 20-25 या 20 ईयर्स के बाद जो है ये देखा जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन में देखा जा रहा है कि बस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, बस खाली ये पढ़ लो, बस खाली वो पढ़ लो, खाली नोट्स पढ़ लो, खाली मेरा वाला पढ़ लो, खाली मेरा वाला पढ़ लो, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, हाँ, ये बच्चों को बर्बाद करने का तरीका। चलिए जो भी है, मैं तो केवल ये कह रहा था आपको कि केवल ये तो प्राइमरीली अभी फिलहाल जो है वो बीकॉम्स के हिसाब से बनाई जा रही है, लेकिन जो भी हमारे बच्चे हैं सीए इंटर के हैं, उनके पास अगर ब्रांच अकाउंटिंग है, और सीएमए इंटर के बच्चे हैं, ठीक है, वो भी घर बैठे इसको जो है पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, और जब ये पूरा ज्ञान उनके पास होगा ना, तो कल जब वो एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वो खुद रियलाइज करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, समझ रहे। तो बाय द वे हम लोग बता रहे थे कोर्स के बारे में, कैसे कैसे कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, तो देखिए कोर्स ऐसे कंप्लीट कराया जाएगा, फाइन, कि फुल सिलेबस तो हम लोग बुक से करेंगे, ठीक है, समय कम है बट कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिन घर पे अवेलेबल है तो बहुत सारी क्लासेस अपलोड की जाएगी, यहां से बुक से फुल सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद 10 ईयर्स जो भी है सिद्धार्थ का 10 ईयर्स वर्कशॉप, समझ गए, 10 ईयर्स वर्कशॉप, इसमें क्या होता है कि लगभग 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास चलती है, फेस टू फेस चलती थी,
बट अभी तो खैर फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो 31 मार्च के बाद भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट्स है वो 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास का बता रहे हैं बेसिकली, तो हमें तो कमर कस के बैठना है एक्चुअली। तो 10 ईयर्स वर्कशॉप जो है वो भी आपकी 6 आवर्स पर डे के हिसाब से जो है, 6 आवर्स पर डे के हिसाब से जो है वो चलेगी। फाइन, ये भी आपको खरीदना है, मैंने बता दिया है कि बुक्स आपको खरीदना है, 10 ईयर्स आपको, 10 ईयर्स आपको खरीदना है सिद्धार्थ का। और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये हम आपको 5 ईयर्स का सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर आपको गेस क्वेश्चन देंगे, गेस क्वेश्चंस देंगे, ठीक है ना। कितने गेस क्वेश्चन देंगे? 20 to 25 क्वेश्चंस आपको गेस क्वेश्चन दिया जाए, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है, इसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस दी जाएगी, फैकल्टी की क्लास की भी रिकॉर्डिंग्स की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब वो भी हम लोग करेंगे वो, ठीक है। तो इसका फुल ये हमारा डेमो लेक्चर्स है ब्रांच अकाउंट का, और इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर का डिटेल्स भी जो है जिन जिन बच्चों को चाहिए उनको अभी सेंड कर दिया जाएगा। फाइन, तो आप लोग उसको देख लें। और उसमें से एक जो फीस है वो फुल सिलेबस की अलग फीस है, कोई बच्चा, लेकिन 10 ईयर्स अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, 10 ईयर्स अभी स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट 15 अप्रैल के बाद से, ठीक है जी। उसके पहले 10 ईयर्स से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई बच्चा केवल 10 ईयर्स करना चाहता है तो उसकी अलग फीस है, कोई बच्चा केवल सैंपल पेपर एंड गेस्ट पेपर लेना चाहता है उसकी अलग फीस है, लेकिन जो बच्चा फुल सिलेबस करेगा ना, जो बच्चा फुल सिलेबस करेगा उसके लिए 10 ईयर्स वर्कशॉप है ना, ये पूरी तरह से फ्री है, समझ गए। जो बच्चा फुल सिलेबस करेगा, समझ रहे, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो बच्चा फुल सिलेबस करेगा, जो बच्चा फुल सिलेबस करेगा उसके लिए फ्री है। क्या क्या फ्री है ये भी बता दूं आपको, ठीक है। 10 ईयर्स वर्कशॉप फ्री है, 10 ईयर्स वर्कशॉप फ्री है, ठीक है। सैंपल पेपर फ्री है उसके लिए, सैंपल पेपर्स फ्री है, और गेस क्वेश्चन फ्री है, गेस क्वेश्चन फ्री है, ठीक है। और जब ये अगर कोरोना का भगवान की कृपा से प्रॉब्लम खत्म हो गया अगर, तो हम लोग जो है आपको 10 ईयर्स की क्लास, 10 ईयर्स फुल डे वर्कशॉप हम आपको प्रोवाइड करेंगे फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 10 ईयर्स वर्कशॉप जो है फुल सिलेबस, ऑल वीडियो क्लासेस, ऑल वीडियो क्लासेस, ठीक है। 10 ईयर्स वर्कशॉप ऑल वीडियो क्लासेस, ऑल वीडियो क्लासेस, फाइन, ठीक है। सैंपल पेपर्स ये भी वीडियो क्लासेस, वीडियो क्लासेस। गेस्ट क्वेश्चन ये भी वीडियो क्लासेस, वीडियो क्लासेस, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जैसे अगर ये प्रॉब्लम खत्म होगी कोरोना की, तो इस फीस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, 10 ईयर्स फुल डे वर्कशॉप फेस टू फेस भी दिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो सैंपल पेपर्स है ना, वो भी सैंपल पेपर्स ये भी आपको जो है, ये भी आपको फेस टू फेस दिया जाएगा अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो गई तो, नहीं तो फिर ऑनलाइन में है ही, ठीक है। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है, ठीक है। कोरोना से फाइट करें, स्टे हेल्दी, फाइन, स्टे एट होम। तो इसके साथ जो है अभी हम ये वाला जो डेमोस्ट्रेशन का वीडियो है वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, और अगला जो अभी हमारा सेशन आएगा आपका, उसमें सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के, ठीक है। ओके, फाइन, सो वील सी इन द नेक्स्ट क्लासेस।